Assalamu alaikum, this is Faizan Najib. मैं हूं फवाद आलम एंड वी आर हियर विद जुबली बेफिक्र मोमेंट ऑफ द मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स एचबीएल पीएसएल 7। और आज हमें ज्वाइन किया है मैन ऑफ द मैच एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जिन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की है जमान खान। आयन से कुछ बात करते हैं। बड़ी शानदार बॉलिंग की आज आपने, एचबीएल पीएसएल का पहला मैन ऑफ द मैच, कैसा लग रहा है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इतनी इज्जत दी। वालदैन की दुआएं थी, कोचिस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेहनत की थी तो आज सिला मिला उसका। लाहौर का बहुत ही शानदार बॉलिंग अटैक है, शाहीन है, हारिस है, इनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? जी एक्सपीरियंस तो तकरीबन तीसरा मैच है, तो उनको देखकर मुझे खुद इतना मसलन बॉलिंग करने का मजा आता है, तो खूब इंजॉय करता हूँ उनके साथ। जमान बहुत तेज बॉलिंग कर रहे हो, सो कौन सा बॉलर सबसे ज्यादा पसंद है जिसको फॉलो करते हो आप? जी वैसे तो शुरू से शोएब भाई को देखता था क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के स्पीड स्टार हैं। अभी तो हारिस भाई हैं, शाहीन भाई हैं, तो माशाल्लाह ये भी पाकिस्तान के स्टार हैं, तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 200 रन चेज हो गए थे आपकी बॉलिंग के खिलाफ, तो लग रहा था कि आज जो 200 रन बने हैं वो बहुत होंगे? स्कोर तो चेज करना तकरीबन बॉलर के मुताबिक होता है। अगर बॉलर गलतियां करता है तो चेज करने में आसानी होती है, तो मैंने प्लान किया था कि जब भी बॉलिंग मिले तो टीम के लिए अच्छा से अच्छा करूं, तो माशाल्लाह सब बॉलरों ने एफर्ट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीती गए। जमान क्या था आज का जुबली बेफिक्र मोमेंट ऑफ द मैच जहां आपको लगा कि ये मैच आप बासानी जीत जाएंगे? जी जब मैंने आउट किया तो सैन तलत को, तो उस टाइम और जो मैन विकेट थी उनकी जजाई, तो शाहीन भाई ने जो ली थी, तो उसी पे सारा मैच बना। वेल थैंक यू सो मच जमान, जुबली बेफिक्र मोमेंट ऑफ द मैच से आज इतना ही, मिलते हैं अगले गेम में। जुबली इंश्योरेंस, बेफिक्र मुस्तकबिल।